आजकल ना किसी को भी सोशल मीडिया पे फेमस होना है ना, उसके लिए पता नहीं कौन कौन सी टैक्टिक यूज करते हैं, वो भी बहुत ही बेहद चीप तरीके से। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल देखकर आप जान चुके होंगे। स्पेशली जो आजकल ये सीक्रेट सोसाइटी या इल्यूमिनाटी के बारे में बातें हो रही है, फ्री मेशन का ट्रेंड चल रहा है। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। मैट्रिक्स जानते हो, इल्यूमिनाटी जानते हो। दिस इज द $1 बिल। व्हाट्स दिस? द इल्यूमिनाटी लोगो। भैया लोगों ने ना अपना सिर्फ कंटेंट वहीं तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपनी पूरी लाइफ ही इसके अराउंड क्रिएट कर ली है। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? और यही सब कॉन्स्पिरेसी और थ्योरी अपने अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सुना रहे हैं। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। कोई रेड पिल खाकर अपनी किताब लिख रहा है। दिस इज योर लास्ट चांस। आफ्टर दिस देयर इज नो टर्निंग बैक। You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth. Trader loss में होकर भी अंबानी के ऊपर conspiracy theory बना रहा है। एक व्यक्ति है हमारे देश में, वो एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए, तो बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं आज गाड़ी अपन चलाएंगे। गाड़ी पीछे जा रहा हूँ, गाड़ियां लेके चलते हुए पता लगे आगे जा रहा पीछे से, वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं। वापस आते आते फिर उसके बाद पता नहीं कहीं पे वो स्टॉल पे निकल जाते, चलने के लिए निकल जाते हैं, और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। वो जो कहावत है ना कि कुछ रईस ऐसे है कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है, चाबी तो नहीं मिली। ठीक 8 घंटे बाद उनके घर पे एक हेलीपैड है। हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। दिस इज द पावर व्हिच अ पर्सन। और हद तो इतनी बढ़ गई है कि भैया मोदी जी को भी इल्यूमिनाटी का पार्ट बता दिया। हमारे इंडिया के खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ऐसे बहुत सारे एविडेंस में एक्चुअल में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी का कनेक्शन क्लियर कट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से है, यानी सीधा सीधा इल्यूमिनाटी से। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग अगर जो ये बातें करते हैं ना, कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो भैया स्पेशली यही बता सकते हैं कि इनके माइंड में क्या है। लेकिन इंटरनेट इतना इजी हो गया है कि अगर आपको सीक्रेट सोसाइटी या इल्यूमिनाटी के बारे में जानना है ना, तो बहुत सारे आर्टिकल और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, तो लोग पता नहीं किस तरीके की पॉसिबिलिटी वाली थ्योरीज इसके अराउंड में क्रिएट कर देते हैं। और आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि इस तरीके के लोग जो अपना सारा कॉन्टेंट है ना, इसी कॉन्स्पिरेसी के आधार पर बनाते हैं, क्योंकि लोग अगर आवाज भी इनके ऊपर उठा देना, तो ये आराम से कह सके भाई देखो ये तो कॉन्स्पिरेसी थी, हमने तो पहले ही कह दिया, क्योंकि इनके तो कोई वैलिड प्रूफ भी नहीं है। और दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ आती है जब भी इस तरह की वीडियो ये बनाते हैं कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, तो ये इतना रियलिस्टिक ड्रामा कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि बिल्कुल सच है, और जब देखने वाले बच्चे हैं तो वो बेचारे इनको सच मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी कंट्रीज इन सब चीजों से ऊपर उठ के भी कोई चीज है, कोई ग्रुप है जो पूरे टाइम हमको देख रहा है? कोई ऐसा ग्रुप है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें कंट्रोल करते रहते हैं, और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखने वाले और हमें रूल करने वाले लोग सिर्फ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। इल्यूमिनाटी एंड कॉन्स्पिरेसी के ऊपर ना भाई कंटेंट अब से नहीं, इंटरनेट पे ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में से एक है। और पहले के समय ना इंटरनेट पे इसकी शुरुआत जो की थी ना कहीं ब्लैक रॉक कंपनी और उसके सीईओ द्वारा हुई थी। भाई ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लैक रॉक कंपनी थी ना पूरी दुनिया पे रूल करती थी, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बात सच भी थी, क्योंकि आज की दुनिया को चलाने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक जो फंडामेंटल्स है फाइनेंस, और ब्लैक रॉक वही कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती थी और उन्हें होल्ड भी करती थी। लेकिन उसके बाद से कई तरह के आर्टिस्ट और हर फील्ड के टॉप के लोग इल्यूमिनाटी के साइन को प्रमोट करने लगे, जैसा आपने भी कहीं ना कहीं कई बार नोटिस किया होगा या इस तरह की वीडियो आपके सामने भी आई होगी। वेस्टर्न कल्चर में तो कई बार इस तरह के आर्टिस्ट को देखा गया जो ये लोगो ये साइन बनाते थे, लेकिन अब तो इंडिया में भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको इल्यूमिनाटी ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है, जिनमें से कई बार नाम आपने सुना होगा हनी सिंह और दिलजीत का भी, और दिलजीत पाजी तो इसके ऊपर काफी बार सफाई भी दे चुके हैं। बस
सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ, वहाँ मैं गया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, याशी करता था, तो मैं डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल्स। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। सो यदि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आई से व्हाटएवर आई वांट टू डू आई विल डू, कम टू अस, वी गेट यू एवरीथिंग। बॉयज कम देयर विद बिगर प्लान्स। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है, वो इंटरनेट में मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो एक घंटे में उतार दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये जितने भी क्रिएटर है ना, इन सभी का कहना है कि जो ये सोशल मीडिया भी है ना, ये सब जो सीक्रेट सोसाइटी वालों है ना, उन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने बनाया हमें इस मैट्रिक्स में फंसाने के लिए। ये सब डिस्ट्रैक्टिंग है, मत करो ऐसा। और ये कहा भी कहा जा रहा है पता है, खुद सोशल मीडिया पर। वाह भाई वाह, क्या आयरनी है। अगर आजकल सबसे ज्यादा जो जिसके बारे में बात हो रही है ना, महान कलाकार जिन्होंने बुक लिखी है और जिसके बारे में सभी दुनिया रोस्ट कर रही है, तीर्थ परसाना, जिन्होंने 21 की उम्र में पूरी दुनिया हिला रखी है और अब बस इन्हें मरने का ही डर है। और इनका स्पेशली ये मानना है कि इस दुनिया में जो सच है ना, सिर्फ मौत है, बाकी सब तो मोह माया है। जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, ये चौथे नंबर का है, इस पे 1 मिलियन फॉलोअर तो हो गए हैं, लेकिन इनका मानना ऐसा है कि इन्होंने दुनिया में सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया और इन्हें अब बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। भाई इसे रेस्पेक्ट नहीं कहते, कमेंट सेक्शन पढ़, उसे गालियां कहते हैं। जिस इंगेजमेंट को आप इंगेजमेंट कह रहे हो ना, वो गालियों की वजह से हो रही है। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट ना तो कंज्यूम करता हूं, ना मेरे घर में चलता है, ना मेरे यार दोस्त देखते हैं, ना हमारी बातें कभी ऐसी होती है। लेकिन जब सब दुनिया इसके बारे में बात कर रही है और बहुत ही सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या कह रहे हो व्यूज के लिए? हाँ वो भी एक मैटर है। और भाई ने लाइव आकर फ्रीमेसन का टूर भी करा दिया। जितने भी लोग को लग रहा था कि मुझे फ्रीमेसन्स ने इनवाइट नहीं किया था, या फिर फ्रीमेसन्स के बारे में मैंने जितना भी चीज़ें बोली वो सब AI से क्रिएट की थी मैंने इमेजेस, या फिर वो एक सेट था, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, खुद पढ़ो। तुम लोग को सच दिखाने के लिए आई रिस्क्ड माई लाइफ। Guess what? I was not lying. ये दुनिया की इतनी मिस्ट्रीज है। लेकिन यार वो तो सीक्रेट सोसाइटी है ना, तो टूर कैसे हुआ? इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद कभी ऐसा डर नहीं लगा तुझे मरने का या तेरे साथ कुछ गलत होने का? Tell me one thing. When death is the only thing that is promised in this world, why not risk it all? Something bad's about to happen. भाई लेकिन आपने तो बोला था कि इस चेयर पे तो सीनियर जो कि जो ये फ्री मेसन चलाते हैं वो बैठते हैं, तो भैया आप कैसे रील शूट कर पा रहे हैं बैठ के? Listen to me very carefully. The biggest influencers, the biggest actors, ये सब अपनी लाइफ में खुश है वैसे कमाते हैं, वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है। ठीक है, I'm the only fucker क्योंकि तुम लोगों को नॉलेज दे रहा है। और ये मतलब सब एंटरटेनमेंट दे रहे हैं भाई, दे रहा है सच्चा ज्ञान, सीख लो भाई, तुम्हें मौत ही चाहिए सीख के। तुम लोग को लगता है कि ये बुक सैटेनिक बुक है, राइट? That's the reason why you guys are hating. एक चीज कमाल की चीज तो ये है कि ना, लूसीफर जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है बहुत ही फेमस, भैया वो खुद इतना एक्साइटेड नहीं है प्रमोट करने के लिए, उनका नेक्स्ट सीजन आना है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना, उस बंदे की कमाल की एक्टिंग है। इतना तो उसने प्रमोट नहीं किया, मिल्क नहीं किया, जितना इस भाई ने कर दिया। बचपन से लेके आज तक बोला जाता है कि अपना सर झुकाओ टेंपल में, तुम लोग जब जाते हो जब अपना सर झुकाओ, क्यों झुकाते हो? कभी पूछा? मैं पूछता था और उन लोगों के पास जवाब नहीं होता था। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? इसका स्पेशली ये कहना है कि भगवान के सामने आप झुकते क्यों? क्या आपने कभी इस पर सवाल किया है? भारी सी बात करके ना। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, व्हिच मींस दैट ब्रह्मा इज रियल, दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन। हिंदूइज्म, कुरान, whenever the Quran speaks about the blessings received by the prophets, it specifically mentions the gift of intellect. Surah Baqarah, Bible, Isaiah, chapter 14. जो तूने इस बुक में लिखा है ना, दिमाग खोल और ध्यान से देख, तूने जहाँ से इंस्पायर होके लिखा है ना, भागवत गीता, कुरान, होली बाइबल, ये बुक्स कौन से इंसिडेंट को दर्शाते हैं? मैं हॉल एंटर किया, I entered, मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। ये भाई पीछे चला गया 100 साल, इसे पता था 100 साल पहले क्या हुआ है? और शूट कौन कर रहा है भाई ये? It was that old. It was like a palace from inside. बाहर से हवेली, अंदर से पैलेस। इधर 3 segments. बाहर से हवेली, अंदर से पैलेस। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। I got an invitation from Mumbai's Grandmaster District
फ्री मेसनरी। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। द पीपल हु रूल द वर्ल्ड। ओके, मैं अभी भी ये चीज, ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं बिलीव कर पाया कि फ्री मेसन्स गेव मी एन इनविटेशन। मैंने लिटरली एक भाई, मुझे तो पता नहीं यार ये आदमी क्या खाता है और क्या इसकी सोच है। हाँ, अगर ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, अपनी बुक बेचने के लिए कर रहा है, तो ये मार्केटिंग गिमिक, और वो भी बहुत ही घटिया तरीके का। और जिस तरीके का ये इंसान है, जिस तरीके का ये कंटेंट बनाता है भाई, ये डेस्परेट है और ये होशो आवाज में नहीं है। मतलब कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी भारी सी आवाज करके। जैसे वो बिग बॉस शुरू हुआ था, उसमें अनिल कपूर जी ने शुरुआत में डायलॉग डिलीवरी कर दी थी बात करने में, तो ये वैसे ही कुछ कर रहा है। अच्छा, इससे अगले एक और महान व्यक्ति है, उनके बारे में बात करेंगे अभी। ये आदमी ना इतना कमाल का है कि मैं अभी ना शिवमोगा गया था कुछ काम से घूमने, तो रास्ते में मेरे को एक सामने वीडियो आई कि भाई ये चला लो, ये डिलीट हो जाएगी। तो मैंने वो वीडियो खोल ली, मैं कहा यार बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, बात करने का फ्लो बहुत अच्छा है। जैसे जैसे उसकी वीडियो शुरू हुई ना, उसने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बातें करना शुरू कर दी। कहीं भी नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी के भी बारे में बोल रहा है। इंटेंशन हो यही, कमेंट करो, एक तो रीच आएगी, दूसरा इंगेजमेंट मिलेगी, और इसको डिफेमेशन से भी डर लगता है, ताकि ये नाम ले और झूठी अफवाह फैलाने के उसमें इसको डिफेमेशन का केस ना हो जाए। आयरनी ये है कि ये खुद को ट्रेडर बताता है कि भैया दुनिया को सिखाता है कि कैसे पैसे कमाने चाहिए, और खुद इसकी प्रोफाइल ये सोशल मीडिया पर आके बोलता है कि माइनस में चल रही है भैया, लॉस में। मुझे नहीं पता ये पैसे दे के जाता है या इसको बुलाया जाता है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट भी पेड है। तो ये जाके भाई ऐसी ऐसी बकचोदी मारता वहां पे ना, अंबानी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, हर भारत के हर नेताओं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, मतलब कुछ भी बोल रहा है, किसी भी किसी को नहीं छोड़ रहा, मतलब अजीब अजीब बातें इसकी। हमारे देश के सबसे धनी इंसान ने 1600 करोड़ रुपए का गिफ्ट उनके एक राइट हैंड मतलब उनके एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र को किया था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप रिसर्च करके निकाल लोगे, इनका राइट हैंड इतना तगड़ा राइट हैंड है, 1600 करोड़ का घर ऐसा नहीं मिलता। इतना राइट हैंड है, अगर कोई इंडस्ट्री है जो बहुत तगड़ी परफॉर्म कर रही है। मैं बताऊं ना भाई, ये इतना ज्यादा प्रभावित है ना अंबानी जी से, ये सोते खाते बैठते सिर्फ यही चीज देखता है कि इनके बारे में क्या बात करूं, कैसे बात करूं, और बिना नाम लिए क्या बोलूं। लेट राकेश झुनझुनवाला जी जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, तो उनके कुर्ते के बड़े चर्चे हुए थे, शर्ट पहनी थी बड़ी वैसे कि भैया ये इतना वो करने के बाद भी ये पहनेंगे। भाई साहब, आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिसके गैराज में उस दिन 8 ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई थी जिनका दाम 5 करोड़ के ऊपर है। और इसको सब नॉलेज है कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, जॉन सीना को क्यों बुलाया गया, शादी में पैसे क्यों लगे हैं, 3 दिन में कितना पैसा कमाया है, बस अपना छोड़ के इसको भाई सारी दुनिया की खबर है। तो ऐसा कहा जाता है कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है, which is said to be the headquarters of Illuminati. Okay. और इसके ऊपर काफी suspicions लगे हुए हैं। अच्छा। और कहा जाता है कि काफी सारी authorities हैं। भाई इसने तो Illuminati का, मतलब अभी तक तो वो सारी हाइड सोसाइटी थी, सीक्रेट थी, इसने तो भाई एड्रेस भी दे दिया। ठीक है, डेनवर एयरपोर्ट पे जाओ, नीचे 5 मंजिल की बिल्डिंग है, नीचे मतलब बेसमेंट 5 मंजिल का है, और वहां जाके आप भर्ती हो जाओ। रॉथस्चाइल्ड्स कोविड को इसलिए लेके आए थे बिकॉज 2020 के पहले तक हर जगह पे ग्लोबल मार्केट अच्छे तरीके से स्टेबल थे, रिटेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे, क्योंकि रिटेलर्स बड़े बड़े हेज फंड्स को भी पंगे देना शुरू कर रहे थे। अच्छा, मतलब जो कोई ढूंढवाया भाई ने ढूंढ दिया, COVID-19 वैक्सीन सब चीज भाई ने ढूंढ दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्या किया जाए क्या किया जाए, वॉर अभी करने का सही समय नहीं है, तो क्या किया जाए, तो कुछ इस तरह से चाइना को प्रोवोक करके कुछ चीजें करवाई। मतलब ये इस तरीके से सामने वाले को झूठ परोसता है सोशल मीडिया पे, कि सामने जो पॉडकास्ट वाला बैठा है भाई, वो भी अंधा हो जाता है, वो भी क्वेश्चन नहीं करता कि आपको कैसे पता, बस नाम नहीं लेगा, कॉन्स्पिरेसी बना देगा, और इतना मतलब वाकपटु जो बोलते हैं, इतना गहरा बोलता है कि भाई अगले वाला सच मान लेता है। गाइस, मेरे लास्ट वीडियो के बाद मैंने उस वीडियो के कमेंट्स देखना पसंद किया, एंड उस कमेंट्स में सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट्स दिख रहे थे, इट वाज अमान भाई, क्या रियली इल्यूमिनाटी जैसे कोई सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? अमान भाई, क्या रियली हम लोग मैट्रिक्स के अंदर धसे जा रहे हैं? एंड गाइस, देखिए भाई, एक बात तो सच है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे शैतान भी है। जब भगवान में बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी भी, जैसे हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, उसी को मानो बस। और जो इस तरह के लोग हैं ना, अभी जो मोदी जी को इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया कि सक्सेस अगर कोई मिल रही है तो सिर्फ उसको इल्यूमिनाटी के तौर पर मिल रही है,
ऐसा नहीं होता है। और ये जो भाई जिस तरीके के भी लोग हैं ना, ये सिर्फ कंटेंट ड्रिवन है, इनके दिमाग में बस ये कॉन्स्पिरेसी चलती है कि क्या झूठ परोसा जाए जिसकी वजह से हमारे पास इंगेजमेंट आए। और जो तीर्थ भाई है ना भाई, 21 साल की उम्र में ना, अभी से तुझे जिस हिसाब से तू बातें कर रहा है ना, तुझे लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी दुनिया देख सीख, इतना तो तुझे पता चल गया है कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी, लोग बातें करेंगे, बुक देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि आपकी बुक का नाम पढ़ के कि आपकी बुक में ऐसा क्या है कि जब सब लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात भाई, जो आजकल का पॉडकास्ट चल रहा है ना भाई, पॉडकास्ट देखना बंद कर दो, बिकॉज ये स्क्रिप्टिंग हो रही है और लोग ना डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो पहले जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ करता था वो ऑर्गेनिक होता था और प्रमोशन भी ऑर्गेनिक होता था, लेकिन आजकल सब चीज़ें प्लान्ड हो रही है। कोई मूवी आ रही है आपको उस दौरान पे सभी पॉडकास्ट पे एक्टर और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सब मिलेंगे, और कोई भी आदमी अपना बिजनेस रन कर रहा है तो वो भी आपको पॉडकास्ट पे मिलेगा, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें जो कॉन्स्पिरेसी भी फैलाई जा रही है, ब्रेन वॉश करके आपको व्यू परोसे जा रहे हैं, और बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो भाई जितने भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, किसी भी बात को सच ना माने, और सच जब तक आपके सामने ना हो तब तक वो सच होता भी नहीं है। दूसरी चीज़, पढ़ाई करने की उम्र में तुम कॉन्स्पिरेसी वाली वीडियोस देख क्यों रहे हो? ये तो भाई, ये अभी चलते चलते कल वो ये भी कह दिया है कैमरा हमसे नहीं चलता है, कैमरे से हम चलते हैं। तो ठीक है, इसके अपने अपने ओपिनियन है, बाकी आपके पास खुद का दिमाग है और वो चीज़ें देखो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, ना कि आपके दिमाग में उलझने पैदा करे। आप सोचने में मजबूर हो कि हम तो कठपुतली है, अब कुछ करने का फायदा नहीं है, तो चला कोई और रहा है, देश कोई और चला रहा है, अंबानी चला रहा है या अड़ानी चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपके खुद के लाइफ के डिसीजन है, आप कुछ करना चाहते हो कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके का कॉन्टेंट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करोगे तो आप परेशान रहोगे। आपकी क्या सोच है इस भाई के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल, और मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।